प्रताप सरनायक हुए, आपका भी अटकलें लग रही थी कि आप भी एक्सपेंशन में हिस्सा होगा, आपका भी कैबिनेट एक्सपेंशन में, पर वो होते हुए नजर नहीं आया, तो अभी क्या आगे की रणनीति किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ते में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, नहीं नहीं वो आ गया, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है, वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए, नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना, ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। मतलब ठीक नहीं, मतलब नाराज हो गए कहीं ना कहीं फिर से? हम जो 40 लोगों का जो गुट जो निकला था, वो ओनली एकनाथ शिंदे पे भरोसा करके निकले, और शिंदे साहब का एक उनका एक अलग सा ये नेचर बोलो या तो वो अलग से सोच है उनकी, वो हम किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे, ये पक्का है। ये जो नाराजगी आपने बताई, ये नाराजगी की बात आपने सीएम डीसीएम के कानों तक पहुंचाई है, वहां तक पहुंचाई है, और क्या वहां से आश्वासन मिला है, क्या आने वाले दिनों में कुछ फिर से एक्सपेंशन देखने मिल सकता है हमको कैबिनेट का? नहीं, ये बातें तो हम तो उनके कान पे डाली है ना, ऐसा नहीं होता, अपने पार्टी के लीडर के कान पे ये बात जाना ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए, और हमने सीएम डीसीएम को बताया भी है, और एक्सपेंशन देखो ये 2-4 दिन में होना चाहिए, कोई भी हालत में होना चाहिए। तो 2-4 दिन में एक्सपेंशन होगा, उसमें आप अनुमान लगा रहे हैं कि आप लोग का नंबर लग सकता है? देखो, आप उसमें किसका नंबर लगाना है वो सीएम डीसीएम का अधिकार है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को उसमें समाविष्ट किया जाएगा। पर सर, लगातार आप लोग यही एक आइडियोलॉजी लेके निकले थे कि एनसीपी के साथ समर्थन नहीं करेंगे, अभी पूरी एनसीपी यहाँ पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है वो तो देखने तो मिलेगा सर? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे, और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में है। वजह पवार के खिलाफ वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो करना कर नहीं सका, मैं वो आप करके दिखाऊंगा। ये उद्धव साहब को जो बनाया उन्होंने सीएम, ये उनको एक मोहरा बल्कि उनको यूज किया गया। आप 2.5 साल देखेंगे, सीएम होते हुए भी महाराष्ट्र को सीएम नहीं थे, और पूरा राज वो राष्ट्रवादी चला रही थी, वो निधि देना हो या कुछ भी हो, ये सब चीजें उनके उनके मार्फत ही हो रही थी, वो ही कर रहे थे, उसके लिए हमने उनको विरोध किया था, और हमारा जायज है। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था, वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए हमको ये उठाव करना पड़ा था, और हम उद्धव साहब को यही कहते थे कि आप पार्टी छोड़ो, उनका साथ छोड़ो, यही हमारी मांग थी ना। पर सर, अभी तो आप कैबिनेट में उनके साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं मतभेद तो दिखेंगे? देखिए, अब हम हमारा युति का शासन पहले हो चुका है, हमने हमारी सत्ता स्थापित की है, अब वो हमारे साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं गए, वो हमें सब आए हैं, हमारे भी इंटर उन्होंने किया है, तो बातें तो हमारी भी माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। अब चलेगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की। सर, एक और बात, कल प्रफुल्ल पटेल ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी सूरत और गुवाहाटी गए थे, तब उनको अंदेशा आ गया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार टोपल होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि अभी हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए उस वक्त। नहीं, देखो, महाविकास आघाड़ी टिकने वाली नहीं थी, आज भी बोल रहा हूं, अभी जो आघाड़ी है ना, ये टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा